हाय एवरीवन, एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था आइसोट्रेटिनोइन ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। उस वीडियो पे बहुत से लोगों ने कमेंट करके कहा कि ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनका जो एक्ने है वो बढ़ गया है, या फिर ट्रीटमेंट को लेकर के एक महीने हो चुके हैं और उनका एक्ने ठीक नहीं हो रहा है। तो इन्हीं डाउट्स को मैं आज के वीडियो में क्लियर करना चाहती हूँ। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके एक्ने पे और कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो आइसोट्रेटिनोइन ज़रूर काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आइसोट्रेटिनोइन को प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके लिवर ख़राब कर सकता है, आपकी किडनी ख़राब कर सकता है, तो प्लीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के इस ट्रीटमेंट को लेने के बारे में सोचना भी मत। तो कमिंग बैक टू माय पॉइंट, आप बिल्कुल भी हताश मत होइए, चिंता मत करिए कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए काम नहीं कर रहा है। ये ट्रीटमेंट आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव है और कितनी जल्दी काम करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट से फ़ायदा दिखने में कुछ लोगों को 2 हफ्ते लगते हैं, कुछ लोगों को 1 महीना लगता है, और कुछ रेयर केसेस में अप टू 3 मंथ्स भी लग जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। आप बस पेशेंस रखिए और भरोसा रखिए, ये ट्रीटमेंट आपके लिए ज़रूर काम करेगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आइसोट्रेटिनोइन को लेने के बाद हमारा एक्ने बढ़ क्यों जाता है। तो इसका कारण समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि आइसोट्रेटिनोइन कैसे काम करता है। हम जैसे जैसे एज में बढ़ते जाते हैं, उतना ही समय जो है हमारी स्किन पुराने डेड सेल्स को रिमूव करने में लगाती है। तो अगर मैं 30 साल की हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना लगेगा स्किन को डेड सेल्स को एक्सफोलिएट होने में। आइसोट्रेटिनोइन क्या करता है कि इस प्रोसेस को फास्ट कर देता है, यानी आपका जो सेल टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा क्विकली होगा। इससे क्या होगा, जो स्किन के नीचे जितना भी कंजेशन है, जितना भी ब्लॉकेज है या सिस्टिक एक्ने है, वो जल्दी से ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये नीचे स्किन के जो नीचे जो डेड सेल्स हैं, एक्ने हैं, वो अगर स्किन के ऊपर आता है तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि एक्ने बढ़ रहा है, और इस स्टेज को पर्जिंग कहते हैं। तो इस पर्जिंग वाले स्टेज में कभी लोगों को 1 महीना लग जाता है, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, मैक्सिमम 3 महीना। उसके बाद क्या होता है कि आपके सारे एक्ने जो हैं क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। पर्जिंग के साथ साथ ही आइसोट्रेटिनोइन का साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपके स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई, और भी ज़्यादा रेड दिखाता है। तो उस स्टेज में ऐसा लगता है कि हमारा एक्ने और भी ज़्यादा बढ़ गया है, बट इट इज़ ऑल गुड, आपका एक्ने जो है वो ठीक हो रहा है, तो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। कुछ डॉक्टर्स जो हैं इस ट्रीटमेंट के साथ ही आपको एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो एलर्जी कम करती हैं। सो आइसोट्रेटिनोइन और एंटी हिस्टामिन साथ में मिल करके इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर से बात करके आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए एक एंटी हिस्टामिन लिखते हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक है उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आइसोट्रेटिनोइन कितना अफेक्टिव हो सकता है। मुझे ये ट्रीटमेंट किए हुए 5 साल हो गए। मैंने 10 महीने के लिए या शायद 11 महीने के लिए ये ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद से मुझे ये ट्रीटमेंट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा सिस्टिक एक्ने वापस नहीं आया। इसके साथ ही रोजेशिया जो है 99% कम हो गया। आज की वीडियो में मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं अपने स्किन पे लगाया है, ताकि आप देख सकें कि ये ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्टिव है और आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम क्लोजर एंड हैव अ लुक एट माई स्किन। इवन दो मुझे 5 साल हो गए इस ट्रीटमेंट को लिए हुए, मेरा सिस्टिक एक्ने खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि अब मुझे एक्ने बिल्कुल भी नहीं निकलता है। कुछ 2-3 या 4-5 जो मुहासे हैं वो निकलते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि मैं साइकिल में कहाँ हूँ, मेरे पीरियड्स के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कितना शुगर इनटेक कर रही हूँ, कितना डेयरी ले रही हूँ, या फिर मेरा स्टमक ठीक है या नहीं, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपको ओकेजनली 2-3 एक्ने तो निकलेंगे, पर आप उनको ईजिली अपने स्किन केयर के साथ मैनेज कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद मैं अपना स्किन केयर जो है बहुत ही सीरियसली लेती हूँ, एक प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करती हूँ। उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए। जाते जाते आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो मैंने लास्ट आइसोट्रेटिनोइन का वीडियो बनाया था उसमें मुझे बहुत सारे व्यूज़ आए थे,
पर मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है तो व्यूज़ आर नॉट इनफ फॉर मी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं एक्ने से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड और एक्ने रिलेटेड डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाती हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे छोटे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू इन एडवांस। मैं चाहती हूँ कि ये फैमिली ग्रो हो। मैं इस चैनल को लेकर बहुत ही पैशनेट हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन मेरे जैसी है और जिनको हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है आपके किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है तो। एंड टुगेदर लेट्स मेक अ कम्युनिटी ताकि हम एक दूसरे की जो है मदद कर सकें। बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछें ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक हैव फन, हैव फेथ, टेक केयर, बाय।